हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 10 ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये हमारा लास्ट यूनिट है। इन दिस यूनिट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक मोशन, कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एंड पीरियोडिक मोशन में आपका ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एंड ऑसिलेटरी मोशन में आपका फिर स्पेसिफिक आते हैं हम लोग हार्मोनिक मोशन पे, एंड हार्मोनिक मोशन पे हम फिर बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। तो जैसे कि आपका सर्कुलर मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, वैसे एक पीरियोडिक मोशन होता है। एंड पीरियोडिक मोशन में स्पेसिफिक हम किसके बारे में आएंगे बात करेंगे, हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो फर्स्ट, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? आपको पता है लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। रोटेशनल मोशन, रोटेशन विल बी अराउंड अ फिक्स एक्सिस, एक्सिस फिक्स्ड है उसके अराउंड आपका मोशन होता है, दैट विल बी रोटेशनल मोशन, ठीक है। एंड देन सर्कुलर मोशन, जब आपका एक सर्कल के सर्कुलर पाथ में मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। नाउ नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। तो आपकी सिलेबस में ही मेनली फोर टाइप्स ऑफ मोशन है। पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द मोशन विल रिपीट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। कि जो ऑब्जेक्ट का पाथ है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है। देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ मोशन इन अ डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स वो आपका जो भी मोशन हो रहा है, ठीक है, वो एक फिक्स टाइम के बाद क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हाँ एक सर्कुलर मोशन हुआ है, इतने टाइम लगा है, फिर एक टाइम के बाद दोबारा वो आपका मोशन रिपीट हो रहा है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन में हमारा स्पेसिफिक हम आएंगे, हम लोग ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करें तो हमारा आएंगे टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, वो आपका एक पीरियोडिक मोशन है। कि किसमें क्या होता है, आपका जो मोशन होता है, दैट विल बी रिपीट आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम, एक डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपका मोशन रिपीट होगा ऑसिलेटरी मोशन में। बट इन दिस टाइप ऑफ मोशन बॉडी विल मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। कि एक पॉइंट फिक्स है, मान लीजिए जो बॉडी होती है एक पॉइंट फिक्स रहता है, उस फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो आपका मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। सो इन केस ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन बॉडी का क्या है, पहली बात यह पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन इसलिए क्योंकि आपका क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है। मान लीजिए पहले बॉडी इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है। बट रिपीट किस तरह से हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। सो पीरियोडिक मोशन में ये स्पेसिफिक बात हो रही है ऑसिलेटरी मोशन की। नाउ इन ऑसिलेटरी मोशन देयर इज अ काइंड ऑफ मोशन दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन में आपका ऑसिलेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन हो रहा है। तो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन में अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, इफ डिस्प्लेसमेंट y इज अ फंक्शन ऑफ साइन और कॉस, साइन एंड कॉसाइन का फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है आपका, इन केस ऑफ हार्मोनिक मोशन देखिए क्या होगा आपका, y डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, या फिर जो भी फंक्शन रहेंगे, दे विल बी अ फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन। साइन और कोसाइन के टर्म में आप हार्मोनिक मोशन के फंक्शंस को लिख सकते हैं, ठीक है। जो हार्मोनिक मोशन के टर्म्स हैं उनको आप साइन और कॉस, कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, सो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। तो पहली बात ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन में किस तरह का मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन में हार्मोनिक मोशन के लिए स्पेसिफिक केस क्या है, कि जो अगर आपके मोशन है उसके टर्म्स को आप साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। अब हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, आपके जो टर्म्स होंगे, जो भी आपके डिस्प्लेसमेंट हो गया या एक्सेलेरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनको आप लिख सकते हो आप साइन और कॉस के टर्म में, सो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब हार्मोनिक ऑसिलेशन में हम स्पेसिफिक बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है, पहली बात सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है, कि आपका एक फिक्स टाइम के बाद आपका मोशन रिपीट हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ऑसिलेशन होता है वहाँ पे, टू एंड फ्रो मोशन होता है। हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन इसलिए क्योंकि आप इसके टर्म्स को क्या कर सकते हो, साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हो। लेकिन अब इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहा गया, बहुत तरह के दूसरे अदर भी आपके मोशन होते हैं, डायनेमिक मोशन होते हैं, फोर्स वाइब्रेशन होता है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन की खासियत क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। लेकिन इसमें जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, इट्स एक्सेलरेशन विल बी
इट्स एक्सेलेरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू वाई, इट्स एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वाई। कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पहली बात कि आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या खास बात होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोजनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रपोजनल होता है, और आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका मेन पोजिशन के टूवर्स आपका एक्ट करता है। एक्सेलरेशन विल वर्क टूवर्स द मेन पोजिशन एंड देन फाइनली, जब आपका एक्सेलरेशन मेन पोजिशन के टूवर्स वर्क करता है तो ऐसे में क्या होता है, जो आपकी एफ की वैल्यू होगी दैट एफ विल बी इन नेगेटिव। ओके, एफ विल बी नेगेटिव। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने पहले लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन की बात किया, तो सबसे पहले आप कौन सा टर्म निकालते हैं, सबसे पहले आप फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालने के बाद हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम फोर्स एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फोर्स एफ निकालने के बाद हम उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, देन हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं कि अगर लीनियर मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपका सर्कुलर मोशन था तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था, तो सेम स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, देन एक्सेलरेशन को सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे, देन एक्सेलरेशन, देन फोर्स एफ, देन काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम करके हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, देन हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड आउट हो गया तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारे टर्म्स इसी पर डिपेंड करते हैं, तो हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, y विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब ये a साइन ओमेगा t कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये सेंटर है, ये पार्टिकल p है, और यहाँ पे इसका क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं वो a है, ठीक है। इफ दिस इज a तो आपका ये बेस टर्म क्या हो जाएगा, बेस टर्म हो जाएगा a cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टर्म कंपोनेंट क्या हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप y के अलॉन्ग देखिए, ये y है ना और ये क्या है x है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको a साइन थीटा लिख सकते, a cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो x के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन थीटा, और अगर आप x लिखे तो x विल बी इक्वल टू द a cos थीटा, तो दोनों ही आपके डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा a साइन थीटा। अब बात करें थीटा की जगह पे हमने ए ओमेगा, हमने ओमेगा टी क्यों लिखा है, देखिए ये एंगल कितना है थीटा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम टी लगा हुआ है, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाई टी, देन थीटा विल बी इक्वल टू दी ओमेगा टी, तो यही वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर दिया, देन वाई विल बी इक्वल टू दी ए साइन ओमेगा टी, वाई विल बी इक्वल टू दी ए साइन ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए हमारा सिंपली a था, लेकिन हम लोगों ने इसका परपेंडिकुलर और बेस कंपोनेंट अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो वो हमारा साइन और कॉस के टर्म है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने हार्मोनिक मोशन में बात किया था कि जो हमारे टर्म्स हैं हम उनको किसके, हम उसको साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस के फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे y को साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, मान लीजिए फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई है, फेज डिफरेंस क्या है फाई है, देन इट विल बी y इक्वल टू दी a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, यहाँ प्लस माइनस फाइव आता है, यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा है, तो आप यहाँ पे प्लस वाला केस लेके चलिए प्लस फाइव। ओके, नाउ हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम चल गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द डी वाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम दैट इज नोन एज वेलोसिटी, देन वेलोसिटी वी विल बी इक्वल टू द डी वाई बाई डी टी। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, आपका एम्पलीट्यूड है हेयर ए। अब देखिए इसमें टर्म्स क्या आपको मालूम होना चाहिए कि टर्म्स क्या है, यहाँ पे आपका ए एक्सेलरेशन है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, t is the time and y is displacement, then velocity v will be equal to the omega under root a square minus y square। अब आपको निकालना है next पे acceleration निकालना है, तो acceleration कैसे निकालेंगे, acceleration निकालने के लिए हम velocity को differentiation करेंगे, and velocity का differentiation करेंगे तो हमारी value आएगी minus omega square y।
तो हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम चल गया है, देन उसके बाद हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन निकालना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है उसके बाद। देन एक्सेलेरेशन ए अल्फा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा ए क्या है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सिमिलरली ए को एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेलेरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए आपको एक्सेलेरेशन अल्फा मिल गया, तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पे फोर्स एफ विल बी इक्वल टू द एम इंटू अल्फा, यहाँ पे एम इंटू अल्फा की वैल्यू लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, देन एफ विल बी इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, नेक्स्ट इज आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया है, वेलोसिटी निकाल लिया है, फोर्स निकाल लिया है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर की जगह पे हमने वी की वैल्यू थी, वी इक्वल टू था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे प्लेस किया इसकी वैल्यू, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ देन हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 1/2, देखिए हमारे पास दो एंड है, एक एंड पे फोर्स एफ है लेकिन दूसरा एंड है उस पर फोर्स जो है जीरो है, तो यहाँ पे आपका यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एफ इंटू वाई, 1/2 एफ इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे दैट विल बी वर्क डन एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू वाई, फिर से वाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल बी इक्वल टू दी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यू इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। देन टोटल एनर्जी ई विल बी इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ई विल बी इक्वल टू दी के प्लस यू, दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी का सम एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम आपका आ जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी इक्वल टू दी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हियर एम इज मास ऑफ पार्टिकल, ए इज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड ए इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ए क्या है आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए एक्सेलेरेशन नहीं है, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड वाला ए है। ठीक है, एक्सेलेरेशन को इसीलिए हम लोगों ने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। अब इसी फॉर्मूले को आप चाहे तो फ्रिक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी के टर्म में कैसे लिखेंगे, वी नो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, देन आप ये फॉर्मूले में आप ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई एफ लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एनर्जी ई इक्वल टू दी 2m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। कई बार इस फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछा जाता है कि इस फॉर्मूले को जो आपका टोटल एनर्जी ई है इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख के कहा जाता है कि इसको प्रूफ कीजिए, तो कन्फ्यूज आते हैं कि अरे हमने तो फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमारा यही है लेकिन इसी फॉर्मूले में हमने ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में जब प्लेस करते तो हमें ये भी फॉर्मूला एक न्यू फॉर्म में, एक नए फॉर्म में हमें मिल जाता है, हमें टोटल एनर्जी ई इक्वल टू मिल गया 2m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट टाइम पीरियड, ये बात हो रही है कि पीरियोडिक मोशन में जो मोशन है वो रिपीट होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जो आपका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है एक टाइम के बाद रिपीट होगा, सो इन दैट केस व्हाट विल बी टाइम पीरियड टी, कि आपका टाइम पीरियड टी क्या होता है, टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू द 2π/ओमेगा, ये जनरल फॉर्मूला है, ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू द 2π/ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई थी, अल्फा इक्वल टू दी ओमेगा स्क्वायर वाई था, अल्फा इक्वल टू दी ओमेगा स्क्वायर वाई था, तो वहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें अल्फा और वाई के टर्म में, देन ओमेगा विल बी इक्वल टू दी अंडर रूट अल्फा बाई वाई, अल्फा इज एक्सेलेरेशन वाई इज डिस्प्लेसमेंट, देन टी इक्वल टू 2π अंडर रूट वाई बाई अल्फा हो जाएगा, वाई इज डिस्प्लेसमेंट एंड अल्फा इज एक्सेलरेशन। नाउ वी विल फाइंड, अब हमने क्या किया सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को फाइंड आउट कर दिया, तो हमें लास्ट में क्या निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था लीनियर मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए, सिमिलरली हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमें देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन होता किस तरह से है, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट पहले ये मेन पोजीशन पे है फिर वो इधर जाएगा फिर ये इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन लग रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया उसका डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ तो इस पर जो फोर्स वर्क करता है, क्योंकि देखिए बात हुई थी कि एक्सेलरेशन आपका
इनवर्ड डायरेक्ट टूवर्ड्स दी सेंटर टूवर्ड्स दी मेन पोजिशन वर्क करता है, तो जब एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स दी मेन पोजिशन है तो फोर्स एफ भी टूवर्ड्स दी मेन पोजिशन होगा। तो फर्स्ट रिलेशन तो ये आ जाएगा एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू वाई, बट एफ विल बी इक्वल टू दी माइनस वाई। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है बट फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन हुआ है। एंड जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट के यूज किया है। यार कांस्टेंट के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, या स्प्रिंग के अगेंस्ट वे से स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, एंड दिस इज के, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को प्लेस कर दिया, वी नो एफ इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू एल्फा विल बी इक्वल टू दी माइनस के वाई। एल्फा इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होता है। तो ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ से हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, के बाई एम के प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी, देन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू द के बाई एम, देन ये आपका नया इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा। और जब इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, देन टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। देन ओमेगा की वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू जाएगा अंडर रूट के बाई एम, देन टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू द टू पाई अंडर रूट एम बाई के। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रेसिव वेव। आपके पास वेव चैप्टर में मेन है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? जनरली वेव की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दो तरह की वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उस पर आएंगे। यहाँ हमारी बात होगी प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वेव विल ट्रेवल इन फिक्स डायरेक्शन। वेव क्या करती है? आपकी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वेव का प्रोपोगेशन क्या हो रहा है? एक फिक्स डायरेक्शन में और फिक्स वेलोसिटी के साथ हो रहा है। वेव विल प्रोपोगेट इन फिक्स डायरेक्शन विथ फिक्स वेलोसिटी। की वेलोसिटी वी है तो ऐसा नहीं कि कभी वी है फिर बाद में चेंज हो गया, वी वन हो गया या वी टू हो गया। वेलोसिटी भी फिक्स है और क्या है, डायरेक्शन भी फिक्स है, इन पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो इफ दिस काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। तो मैम भी कंसिडर करें कि हमारी वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात, ये आपका एक तरह से क्या है, ऑक्सी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही जो सिम एक इक्वेशन आएगा आपका वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेव की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एंड इफ इनिशियल फेज डिफरेंस इज फाई देन वाई विल बी इक्वल टू दी ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पे माइनस फाइव क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या हो रहा है, आपका एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपका प्लस एक्स, हम यहाँ कंसिडर करें कि हमारा क्या है, वेव ट्रेवल कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस फाइव लिया। अगर आपकी यही वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे प्लस फाइव हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ओके। तो देन वाई विल बी इक्वल टू द ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस इज फाइव, एंड दिस फेज डिफरेंस फाइव विल बी इक्वल टू द टू पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस एक्स। फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू द टू पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस, ओके। एंड यहाँ पे टू पाई बाई लैम्डा इज नोन एज प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के। टू पाई बाई लैम्डा क्या नाम देते हैं? प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के, जो के से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स फाइव विल बी इक्वल टू द टू पाई बाई लैम्डा एक्स, देन फाइव विल बी इक्वल टू द के एक्स। फाइव विल बी इक्वल टू द के एक्स। यर एक्स क्या है? एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एंड के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है टू पाई बाई लैम्डा, एंड वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट नोन एज टू पाई बाई लैम्डा। इसको टू पाई बाई लैम्डा के इक्वल होता है, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज के, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन, अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को हम कई सारे फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोग्रेसिव वेव के आपके पास इक्वेशन है, फिर उस इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया, देखिए फॉर एग्जाम्पल ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इसको प्लेस पे आप टू पाई बाई टी लिख सकते हैं। टी इज टाइम पीरियड, ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है, तो आपने एक फॉर्मूले में क्या लिख दिया, ओमेगा के प्लेस में। यही सेम इक्वेशन है, यहाँ पे आप ओमेगा के प्लेस में आपने प्लेस कर दिया टू पाई बाई टी, और फाई की जगह पे क्या प्लेस कर दिया, टू पाई बाई लैम्डा एक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टू पाई कॉमन ले लिया, तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। एक चाहे तो आप फाइव के प्लेस में के एक्स लिख दिया है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को कई सारे फॉर्म में लिख सकते हैं, और कितने सारी फॉर्म्स हैं इसकी, वो सारी आपको नोट्स में दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपकी मेन इक्वेशन यही है, और इसी इक्वेशन में आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में फाइंड आउट किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज बीट्स। अब बीट्स क्या होता है, देखिए प्रोग्रेसिव वेव्स है, मान लीजिए दो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, वो ट्रेवल कर रही है, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या लगभग सेम है, सेम नहीं है, क्या है,
अगर एक ही डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में दो आपकी वेव क्या कर रही हैं, प्रोपोगेट कर रही हैं, इफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स आर प्रोपोगेटिंग इन सेम डायरेक्शन एंड दे आर हैविंग नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, नियरली इक्वल है, तो उनका क्या होता है, किसी न किसी पॉइंट पे उन वेव्स का क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है. क्या होता है, किसी न किसी पॉइंट पे उनका क्या होता है, अ सुपर पोजिशन होता है. और इसकी वजह से क्या होता है, जब दो आपकी प्रोग्रेसिव वेव जिनका फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, जब वो प्रोपोगेट करती है तो किसी जगह पे इंटेंसिटी क्या होती है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी का राइज एंड फॉल होता है. तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. तो वहाँ पे क्या बनती है, बीट्स बनती है, दैट इज कॉल्ड बीट्स. तो वहाँ पे क्या, बीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से बीट्स का कॉन्सेप्ट आता है. तो बीट्स क्या होता है, बीट्स इज बिकॉज ऑफ नियरली इक्वल सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसी. दो वेव्स हैं, उनके सुपर पोजिशन से बीट्स का फॉर्मेशन होता है. एंड बट उन वेव्स का, दो वेव्स का जो सुपर पोजिशन होता है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, कि उन वेव्स का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो सेम नहीं होता है, लगभग सेम होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी में राइज एंड फॉल की कंडीशन आता है, उसकी वजह से बीट्स का फॉर्मेशन होता है एंड बीट फ्रिक्वेंसी. मान लीजिए फर्स्ट वेव का फ्रिक्वेंसी N1 है एंड सेकेंड वेव का फ्रिक्वेंसी N2 है, देन योर बीट फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू दी N1 माइनस N2. बीट फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड विल बी इक्वल टू दी N1 माइनस N2. तो इस सेलेक्ट जितने भी डेरिवेशन है वो सब आपको नोट्स में दिया गया, आप उसको पढ़ेंगे. बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. थैंक यू.